अर्पिता, देखिए घर वापसी का अभियान उनका चल रहा है, दूसरी ओर धर्म परिवर्तन भी, और उसके अलावा सनातन धर्म को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए इस पर बाबा पूरी तरीके से लगे हुए हैं। योग वाले बाबा यानी कि बाबा रामदेव भी उनके हिंदू राष्ट्र वाले स्टैंड का समर्थन कर रहे हैं। साथ ही बाबा रामदेव ने स्कूली किताबों में मुगलों के महिमा मंडन पर भी सवाल उठाए। दरअसल यहाँ गोवा में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे योग गुरु बाबा रामदेव, और वहां पर उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूली किताबों में गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है, मुगल शासकों को महान बताया गया है जबकि अपने नायकों के बारे में गलत जानकारी दी गई है। इतिहास बोध भी होना चाहिए। ज्यादातर स्टेट बोर्ड्स और यहां तक कि एनसीईआरटी की किताबों में अब तक भी हमें बहुत तरह से बहुत प्रकार का झूठा इतिहास पढ़ाया जाता है, उसमें मुगलों को महिमामंडित किया जाता है और अपने आदर्शों को कहीं पर उनका चरित्र भंजन किया जाता है। इस परंपरा को भी हमें अब बदलने की जरूरत है। देश में इतिहास की किताबें सच्ची हैं या झूठी, बाबा रामदेव ने इस बहस को फिर से गर्मा दिया है। एक बार फिर निशाने पर है मुगल शासक। हमारे लिए हीरो, हमारे लिए महान अकबर नहीं है, बाबर नहीं है, औरंगजेब नहीं है, हमारे तो सुपर हीरो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, महाराणा प्रताप हैं, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह हैं। हमारे रियल हीरो हमारे वो पूर्वज ऋषिकाएं, वो वीर वीरांगनाएं हैं जिन्होंने अपने जीवन की आहुतियां देकर के हमें राष्ट्रवाद और अध्यात्मवाद का पाठ पढ़ाया। गोवा के दक्षिणी जिले पोंडा में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर आमंत्रित थे बाबा रामदेव। कार्यक्रम में रामदेव ने मुगल शासकों और इतिहासकारों पर प्रहार किए और भारत के विश्व गुरु बनने का शंखनाद किया। 15-20 साल बाद आपको गोवा का मुख्यमंत्री भी बनना है, किसी बच्चे को देश का प्रधानमंत्री भी बनना है, क्योंकि 15-20 साल बाद मोदी जी भी बहुत हो गया। तो मैं क्यों ये बात कहना चाह रहा हूं कि कुछ लोग पूछते हैं आने वाले 10-15-20 साल के बाद के भारत का क्या, तो मैं कहता हूं आने वाले 15-20 साल बाद हम भारत ही नहीं पूरा विश्व का नेतृत्व करने में समर्थ हो जाएंगे। ऐसी प्रतिभाएं हमें देश में घड़नी है, वो व्यक्तित्व, वो नेतृत्व, चरित्र हमें घड़ना है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के मिशन पर है। बाबा रामदेव ने भी इस पर अपना एजेंडा पेश कर दिया है। अब जब कोई हिंद साम्राज्य की बात कर लेता और हिंदवी साम्राज्य की यदि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर बात नहीं करेंगे तो कब करेंगे। लेकिन हिंदवी साम्राज्य को कोई हिंदू साम्राज्य के नाम पर, कोई और हिंदू राष्ट्र के नाम पर कोई अड़गड़ गड़बड़ करे, मैं उसकी तो बात नहीं कहता, लेकिन इतनी बात मैं कहता हूं जो सपना छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा था उस हिंदू सनातन धर्म की भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जय जयकार होने वाली है, या आने वाला भविष्य है विश्व का। बाबा रामदेव को योग को देश के जन जन तक ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। अब लगता है कि योग गुरु रामदेव देश के इतिहास के नए योग पर निकल पड़े हैं। हरीश, गोवा आज तक।